हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रुति एकेडमी। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें नंबर्स गिवन है, इनका हमें जो है क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, और वो भी कौन सा मेथड यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए। ओके, अब सपोज मेरे पास एक नंबर है 2। इस नंबर को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 1, 2 एंड 3, सो 2 2 ज़ 4, 4 2 ज़ 8, 8 आ गया। 8 क्या है? परफेक्ट क्यूब नंबर है। ओके, इस नंबर का अगर मुझे इस 8 का क्यूब रूट जो है फाइंड आउट करना हो, तो इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा कि ये जो 2 है ये 3 टाइम्स आ रहा है ना, सेम नंबर, सो इसका क्यूब रूट क्या होगा? 2। सो यही चीज़ हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके जो है नंबर्स का जो है क्यूब रूट जो है फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे? कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो जो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं उनका हम जो है ग्रुप बनाएंगे 3 का। पर जब हम ग्रुप बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया ग्रुप 3 का, ग्रुप बन रहा है 3 का, पर क्या है, सेम ही नंबर है ना, तो उस नंबर को हम जो है 1 टाइम जो है काउंट करेंगे, तो 1 हो गया, तो ये 2 जो है इसका क्या आ गया? क्यूब रूट। ओके, सो हमारे पास जो नंबर है वो क्या है? 64। इसका हमें जो है क्यूब रूट जो है फाइंड आउट करना है। अब 64 का हम जो है सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 64 जो है किसके टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है। कब आता है? 32 पे। 32 जो है 2 की टेबल में आता है। कब आता है? 16 पे। 16 जो है 2 की टेबल में आ रहा है। कब आ रहा है? 8 पे। 8 जो है 2 की टेबल में आता है, 4 पे। 4 जो है 2 की टेबल में आता है। कब आता है? 2 पे। एंड 2 जो है अपनी ही टेबल में आता है, 2 पे, अब आता है 1 पे। अब हम जो ग्रुप बनाएंगे 3 का, ये हो गया ग्रुप, हो गया एक 3 का, ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 हो गया ना 2 का। अब यहाँ पे भी 2 जो है 3 टाइम्स आ गया, सो 2 2। अब 1 टाइम काउंट करेंगे, 2 2 2 2 क्या हो गया? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्यूब रूट है 64 का वो क्या हो गया? 4। ओके, नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 512। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 512 है ये 2 की टेबल में आएगा। 2 की टेबल में कब आएगा? 256 में। हमें जो डिवाइड है ना वो मन में करना है, जो क्वेश्चन आएगा वो हमें लिख देना है। 256 ये भी 2 की टेबल में आएगा। कब आएगा? 128 2 की टेबल में आता है। कब आता है? 64 पे। 64 2 की टेबल में आता है। कब आता है? 32 पे। 32 2 की टेबल में आता है। कब आता है? 16 पे। 16 जो है 2 की टेबल में आता है। कब आता है? 8 पे। 8 जो है 2 की टेबल में आता है, 4 पे। एंड 4 2 की टेबल में आता है, 2 पे। 2 2 अपनी ही टेबल में आता है, वो आता है 1 पे। हम ग्रुप बनाते जाएंगे 3 का। बनाया 2 3, सो 1 2 3, मतलब कि 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, सो 2 2 ज़ 4, 4 2 ज़ 8, 8 आंसर आ गया। तो इसका मतलब जो क्यूब रूट है 512 का वो क्या है? 8 है ना। इजी। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 10648। अभी 10648 जो है 2 की टेबल में आएगा। अब आप देखो 2 की टेबल में 10 आता है 5 पे, 6 आता है 3 पे, 4 आता है 2 पे, 8 आता है 4 पे, आ गया। अभी 5324 जो है फिर 2 की टेबल में आएगा। 2 की टेबल में कब आएगा? 2662 पे। फिर ये 2 की टेबल में आएगा, ये आएगा 1331 पे। अभी जो 1331 है ये 11 की टेबल में आता है। 11 की टेबल में कब आता है? 121 पे। फिर ये 11 की टेबल में आता है 11 पे, और 11 अपनी ही टेबल में आता है, कब आता है? 1 पे। सो ये 2 का ग्रुप बन गया 3 का, 11 का ग्रुप बन गया 3 का, सो 211। 1 टाइम काउंट करेंगे, 211, ये हो गया 22। तो इसका मतलब जो क्यूब रूट है 10648 का वो क्या हो गया? 22। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 27000। 27000 का हम जो है क्यूब रूट करेंगे। 27000 जो है 2 की टेबल में आएगा। कब आएगा? 13500 पे। ठीक है, फिर ये 2 की टेबल में आएगा। कब आएगा? 6750 पे। अब ये जो है फिर 2 की टेबल में आएगा। कब आएगा? 3375 पे। फिर 3375 जो है 3 की टेबल में आता है, वो आता है, कब आता है? 1125 पे। फिर 1125 जो है 3 की टेबल में आता है। कब आता है?
375 पे, 375 फिर 3 की टेबल में आएगा कब आएगा, 125 पे, 125 5 की टेबल में आता है कब आता है, 25 पे, 25 5 की टेबल में आता है कब आता है, 5 पे, 5 एंड 1, ठीक है, ग्रुप बनाएंगे 3 3 का, 1 2 3, सो वन टाइम काउंट करेंगे, 2 3 एंड 5, 2 3 इज अ 6, 6 5 इज अ 30, तो इसका मतलब जो क्यूब रूट है 27,000 का वो क्या हुआ 30। तो इस तरीके से हम जो है क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे नंबर का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप यू लाइक माय वीडियो, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।